हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। नीरज बवानिया गिरोह का साफ शूटर व घोषित अपराधी को क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के स्पेशल CP रविंद्र सिंह यादव ने मीडिया को बताया कि क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम ने जापानी पार्क के पास से गुप्त सूचना के आधार पर नीरज बवानिया गिरोह का साफ शूटर व उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दो मामले जो कि हत्या के मामले में शामिल था। आगे स्पेशल CP ने बताया कि क्राइम ब्रांच NR1 में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि नीरज बवानिया गैंग का साफ शूटर जिसका नाम नरेंद्र उर्फ घोड़ा, जिसकी उम्र 42 वर्ष है, निवासी गांव कसाला जिला रोहतक हरियाणा का है, जो कि थाना प्रशांत बिहार में एक मामले में फरार चल रहा है। वह जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी में किसी से मिलने के लिए आएगा। यदि समय रहते जाल बिछाया जाए तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट CP HD मिश्रा और DCP संजय भाटिया के निर्देश पर ACP विवेक त्यागी के निगरानी में इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस टीम में हेड कांस्टेबल नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, हेड कांस्टेबल विकास डब्बास, हेड कांस्टेबल मनदीप इस टीम में शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जापानी पार्क के गेट नंबर 7 रोहिणी में जाल बिछाया और मुखबिर के सारे पर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी वीरेंद्र उर्फ घोड़ा ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी संदीप, आशीष, अश्वनी और संजय के साथ गांव असोदा में रणवीर उर्फ गोलू और ढोला की हत्या की थी। वर्ष 2013 में न्यायिक हिरासत के दौरान वह काला निवासी असोदा झज्जर हरियाणा के संपर्क में आया था और नीरज बवानिया गैंग काला असोदिया गैंग में शामिल हो गया था, जहां अशोक प्रधान और उसके साथियों ने रोहतक कोर्ट के सामने काला असोदिया की हत्या की थी। वर्ष 2017 में नरेंद्र और घोड़ा को अदालत से जमानत मिल गई थी और उसने अपने साथी मोहित निवासी रोहत झज्जर परवीन और मोटा निवासी बढ़ानी झज्जर राजकुमार उर्फ भोमा निवासी बवाना और अजय व सतीश निवासी गांव असोदा नीरज बवाना गैंग के साथ मिलकर काला असोदिया की हत्या का बदला लेने की योजना बनाई थी। दिनांक 29/4/2017 को रोहिणी कोर्ट परिसर में नीतू दबोदिया गैंग के राजेश उर्फ दुर्मुट की गोली मारकर हत्या की थी। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। बहरहाल आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है। आरोपी की पूरी प्रोफाइल, नरेंद्र उर्फ घोड़ा, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांव कसाला जिला रोहतक हरियाणा का है। आरोपी ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इसके बाद उसने अपने पिता के साथ खेती का काम शुरू किया था और धीरे धीरे वह बुरे लोगों के संपर्क में आया और अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था।